आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाया था। अब उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे के अंदर मैंने 4 पॉइंट आपको पढ़ा दिया, तो पांचवा पॉइंट लिखिए, द कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्स रेस, द कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्स रे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्ड मेटल, द कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्स रेस व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्ड मेटल कॉपर टंगस्टन एटसेट्रा। अब ये आपका कैथोड है, जिस कैथोड से क्या डेवलप हो रहा है, कैथोड रेज डेवलप हो रही है। ये आपका कैथोड है, जो कैथोड से आपका क्या डेवलप हुआ, कैथोड रेज डेवलप हुआ, और उसके पहले का जो पूरा सेटअप है वो सब आपको ऑलरेडी जानकारी में है, वो सेटअप को दोबारा नहीं बना रहा। ये वो कैथोड रेज है जो कि इनविजिबल कैथोड रेज है, वो जाकर किसी मेटल पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। किसी मेटल पर, जिस भी मेटल पर आप स्ट्राइक करा रहे हैं, उस मेटल की एक प्रॉपर्टी है, वो कैसा होना चाहिए, वो एक हार्ड मेटल होना चाहिए। और उस हार्ड मेटल पर जब फास्ट मूविंग ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, कैथोड रे मींस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाद में जाके पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स है। ये जब जाकर इस पर क्या करते, स्ट्राइक करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस पर जाकर स्ट्राइक करते हैं, तो इन स्ट्राइकिंग से जो रेज पैदा हो रही हैं, वो रेज क्या है, दैट रेज आर एक्स रे, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्स रे कहते हैं। तो ये सारे क्या है, एक्स रे है, और ये वही एक्स रे है जो पैदा होती है। और आप लोगों का जो एक्सरे करके हम लोग प्लेट्स बनाते हैं, कौन सा प्लेट्स, जो आप कभी, आप फ्रैक्चर वगैरह अगर आपके कभी जीवन में हुआ है, आपको जरूर एक्सरे करने का मौका लगा होगा। उस एक्सरे के दरमियान क्या होता है, तो लोग बोलते हैं वो बहुत हार्मफुल रेज है, इसलिए देखिएगा जो एक्सरे करने वाला बंदा रहता है वो भी एक मेटालिक शीट के पीछे बैठ के एक्सरे करता है। द रीजन इज वो बहुत हार्मफुल रेज होते हैं, पर जिसको कराना है उसके तो जीवन में ऐसा टूटने उठने का एक आध बार ही होगा ना पूरे जीवन में, कोई ऐसा जिसके हर दिन एक एक एक्सरे हो रहा है, बहुत डेली ऐसा होता है। लाइफ लॉन्ग में आप 2 या 3 बार एक्सरे करते हैं, पॉसिबल है, पर जो बंदा वहां पे एक्सरे कर रहा है, अगर उसके जीवन के बारे में ना सोचा जाए तो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि वो एक दिन में हो सकता है 100 एक्सरे करता हूं, तो उसके लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखे होंगे वो एक्सरे से बचने के लिए मेटालिक शीट, और उसके शरीर पर भी एक अजीब टाइप का वो कपड़ा पहना होता है, कुछ प्रोटेक्टिव कपड़ा पहना होता है, पूरा वो मेटल का शीट रहता है। अल्टीमेटली क्या होता है, एक्सरे जो कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे शरीर को पेनिट्रेट कर सकता है। अगर वो हमारे शरीर को पेनिट्रेट करेगा तो हमारे शरीर के सेल्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा। अगर कोई बंदा दिन भर में 100 बार एक्सरे कर रहा है, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन उसकी बॉडी को होगा, और देर आर चांसेस कि उसको कुछ ना कुछ कैंसरस बीमारी पकड़ ले, क्योंकि अल्टीमेटली आपके सेल्स अगर डाई करते जाएंगे तो कैंसरस होगा, बात समझ में आ रहा है। तो उससे बचने के लिए वो उस तरह के प्लेट्स में रहता है, पर आपके जीवन में तो एक ही बार हो रहा है, तो आपको कैसे करते हैं, वो पूरा एक्सरे के सामने आपको रखते हैं, ऊपर से एक्सरेज आती हैं, मसल्स को वो क्रॉस कर जाता है पर हड्डियों को क्रॉस नहीं कर सकता। तो जहां हड्डी में गैप है वहां से वो क्रॉस कर गया, और जो हड्डी में गैप है वही तो फ्रैक्चर है, तो वो फिर डॉक्टर उसके नेगेटिव को देख के देखता है, अच्छा यहाँ तो है गैप दिखाई दे रहा है, अगर बहुत बड़ा है तो वो फ्रैक्चर है, अगर छोटा है तो बोलते हेयर क्रैक है, सुना है हेयर क्रैक वर्ड सुना हुआ, माइनर अगर कुछ हुआ है तो हेयर क्रैक होता है, हेयर क्रैक मतलब ये बाल जैसा कुछ है वो धीरे से चपक जाएगा, तो फिर वो प्लास्टर करने की नौबत नहीं आती, आपको क्या कर देते, सिर्फ गर्म पट्टी बांध के छोड़ देते। लेकिन अगर गैप ज्यादा है तो एक्चुअली टूट चुका है, टूट गया तो फिर उसको दोनों को ऐसे सेट करके और उसके बाद उसको क्या कर दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से बांध देते, और व्हाइट कलर का आपने देखा होगा जिसके ऊपर आप लोग आई लव यू एंड गेट वेल सून वो सब लिखते हैं, वो सारा चीज होता है। तो वो एक्सरे है, ये जो प्रॉपर्टी है एक कैथोड रे की, जब आप मेटल में स्ट्राइक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सरे मिलता है। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे भी कहां से आया, फ्रॉम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देन ये फोटो में ख्याल से आपने बना लिया होगा, इसके नीचे एक्सरे का डेफिनेशन लिखिए, राइट, एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय विलियम रॉन्टन, WILHELM रॉन्टन, RONGTON
इन द ईयर 18 विलियम डब्ल्यू आई एल एच एल एम रोंगटन आर ओ एन जी टी ओ एन इन द ईयर 1895 फुल स्टॉप. दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड. ये रेस की खासियत क्या होती है? दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होता है. अब मेरे मन में एक ख्याल आना चाहिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? बहुत ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं. आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो मैं कई बार आपको अभी पढ़ाऊंगा, पर अभी चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पहली बार आपके जीवन में आया है तो मैं चाहता हूं कि इसका मतलब आपको पता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है. आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस पर क्या प्रेजेंट हो? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो. एक्स एक्सिस किसको बोल रहा हूं मैं? एक्स वाई प्लेन को बोल रहा हूं. एक्स एक्सिस माने एक्स वाई प्लेन. ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई प्लेन पे मैं क्या बना रहा हूं? एक्स वाई प्लेन पे मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि साइनोसोडल नेचर का मैंने बनाया है. एक्स वाई प्लेन पे मैंने क्या बनाया है? साइनोसोडल नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स हैं. अब आपके मन में अभी जो भी डाउट आ रहा है उसको अंदर ही रहने दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते किसको है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जो फील्ड डेवलप होती है उन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. तो पहले मैं अभी ये बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप कहते किसको है. तो इस प्रकार से जब एक्स वाई प्लेन में आपका क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड हो. और वर्ड को जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है. इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक फील्ड. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बनाऊंगा अभी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा बना लेता हूं फिर मैं धीरे से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बनाऊंगा. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन एक्स जेड प्लेन. किस प्लेन में होगा? एक्स जेड प्लेन. एक्स जेड प्लेन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. दिस इज योर एक्स जेड प्लेन. एक्स जेड प्लेन समझ रहे हैं? एक्स जेड प्लेन माने ये इज एक्स जेड प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज एक्स जेड प्लेन. ध्यान से देखिए, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे चल रहा है जो ब्लू कलर से चला है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे चल रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस प्लेन. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे. ये प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड और ये प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रहा है. डन. अभी ये मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिले, ये थोड़ा ये समझ रहे, 3D डायग्राम बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा कॉम्प्रिहेंड करने पर मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूं. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. रेड से मैंने कौन सा फील्ड बनाया है? मैग्नेटिक फील्ड. अब ये एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड. तो कौन सा प्लेन बच गया? एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, वाई जेड प्लेन बच गया. व्हाट इज वाई जेड प्लेन? वाई एंड जेड एदर आपकी तरफ ऐसे अगर कोई चीज बढ़ रही होगी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस प्लेन, इन दोनों से मिलकर जो एक नया प्लेन, लास्ट वाला प्लेन है, दैट इज वाई जेड प्लेन, उसमें जो वेव ट्रैवल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और उसके द्वारा जो फील्ड पैदा होगा उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट? ये जो पर्टिकुलर एक्सरे है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता. यानी इतना फास्ट मूविंग रेज होता है कि इसको डिफ्लेक्शन नहीं आएगा. बाकी आप अगर एक मैग्नेट वहां रखें तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा. अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज रखा हुआ है, उसके बल में कोई दूसरा चार्ज लाएंगे, डिफ्लेक्ट होगा. पर कह रहे हैं अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक्सरे को लेके जाएं, कोई डिफ्लेक्शन वहां दिखाई नहीं देगी. डन. इससे एक चीज और क्लियर होता है कि शायद कहीं ना कहीं न्यूट्रल होता होगा, तभी ना डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है.
खैर पूरा एक्सरे पढ़ा मैं हमने क्लास 12th में, वहां पे और डिटेल में देखिए। आगे लिखिए एंड हैव and have a very high penetrating power आगे लिखिए and have a very high penetrating power through the matter these waves have a wavelength of one angstrom and possess electromagnetic character these rays have a wavelength of one angstrom. वन एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब होता है मेरे ख्याल से आपको पता होगा, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, ये आपका एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है एंड पोजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर पोजेस करता है। डन, एक्सरे वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर ये डायग्राम आपने नहीं बनाया तो प्लीज बना लीजिएगा, जहां पे ब्लू कलर क्या चीज को डिपेक्ट कर रहा है, दिस ब्लू कलर इज डिपेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन, द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिपेक्टिंग द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे मैं यहां स्पेसिफाई करके बोल देता हूं, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में है। सिमिलरली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने रेड से बनाया है, इसको आप लिख दीजिए प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स जेड प्लेन में आ रहा है ये, तो जो इस एक्सिस में जो तीसरा एक्सिस है दिस इज वाई जेड प्लेन, ये जो वाई जेड प्लेन है जेड को मैं ऐसे बना रहा हूं क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है, एक्चुअली जेड प्लेन कहां पर है, आपकी तरफ, पर ये तो बोर्ड पर ऐसे ही बनेगा, तो यहां पर जो वेव्स पैदा होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे, और ये किस प्लेन में है, दिस इज इन प्लेन ऑफ वाई एंड जेड, और इसके जो फील्ड होते हैं दैट इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड बोला था साइनोसोइडल, मतलब बताऊंगा साइनोसोइडल का मतलब क्या होता है, एनी वेव विच फॉलोज आइदर साइन कर्व और कॉस कर्व, मैथ्स का टर्म है समझाता हूं, अच्छा वर्ड डोंट बी, यहाँ ये वाला मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ध्यान से देखिएगा तो चमक भी जाएगा, क्या है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग वैसे तो ये मैथ्स का पार्ट है पर ठीक है थोड़ा बहुत फिजिक्स में तो मैथ्स पढ़ना ही होगा आपको। साइन का ये 0° एंगल है, बीच में पाई बाई टू आता है, फिर पाई आएगा, फिर 3π/2 आएगा, फिर 2π आएगा, मुझे बताइए साइन 0 इज 0, साइन पाई बाई टू माने साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1 एंड साइन अगेन 2π यानी 360 इज 0, यानी एक ऐसा फंक्शन जो इस प्रकार से मूव कर रहा है, किस प्रकार से मूव कर रहा है, 0 पे 0 है, फिर 90 पर 1 है, फिर 180 पर 0 है, फिर 270 पे -1, यानी कि वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 1 एंड -1। जब इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 से ये ग्राफ स्टार्ट होता है इस प्रकार से, पाई पर आके वापस से क्या हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ और पाई माने 180°, वापस से 0 हो गया, फिर ये यहां से इस प्रकार से स्टार्ट हुआ और यहां पर जाके फिर 0 हो गया, जब पाई बाई 2 पे हमने वैल्यू देखा तो दिस वाज पॉजिटिव 1 और जब 3π/2 देखा तो इसकी वैल्यू इज -1, यानी यहां पर -1 है और यहां पर +1, यहां पे इसकी वैल्यू क्या है +1 है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज +1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, ये जिस वेव को डिपिक्ट कर रहा है वो साइन है, साइन ऑफ एंगल। देन इसी प्रकार से अगर मैं कॉस को भी आपको करके दिखाऊं,
कॉस का भी अगर आप ऐसा ही करके देखेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं तो मैं कॉस का भी करके दिखाई देता हूं, इसको मिटा रहा हूं, ये तो बना लिया होगा ना आप लोगों ने, ये एक्सरे का डायग्राम तो बना लिया होगी। अभी देखिए मैं कॉस का भी इसी प्रकार से आपको करके अगर दिखा दूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर साइनोसोइडल वेव क्या होता है मैं बता दूंगा। देखिए ये भी पॉजिटिव वन, दिस इज नेगेटिव वन, कॉस की वैल्यूज को चेक करते हैं, कॉस की चार पांच वैल्यूज हमें चेक करनी है, एक एक करके चेक करते हैं। कॉस जीरो इज वन, कॉस जीरो इज वन, कॉस 90 इज जीरो, कॉस 180 इज माइनस वन, कॉस 270 इज जीरो, कॉस 360 इज प्लस वन। यानी जब आप कॉस के बारे में बात करेंगे, जीरो पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू एंड टू पाई, तो इसकी भी जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में रेंज करती है, जरा ध्यान से देखिए। वैल्यू स्टार्ट करता है जीरो से, स्टार्ट करता है जीरो से, और इस प्रकार से घूमता हुआ ये ऐसे ये यहां तक पहुंचता है। ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वैल्यू है ये 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 है, 3 पाई बाय 2 मींस 270, देखिए 270 पे वैल्यू 0 है और पाई बाय 2 पे भी वैल्यू 0 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां कहां पे है, 0 पे और 360 पे। ध्यान से देखिए 0 और 360 पे 1 है, और माइनस 1 कहां पर है, पाई पर, पाई माने 180। इस प्रकार से ग्राफ आपने प्लॉट किया, साइन कर्व एंड कोसाइन कर्व, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो आइदर ये कर्व दिखाते हैं या फिर ये कर्व दिखाते हैं, और यही लॉजिक था कि मैंने उसको इस तरह से दिखाया। साइन कर्व या कोसाइन कर्व दिखाने वाले फंक्शन को साइनोसोइडल इन नेचर बोलते हैं, यानी कोई भी वेव अगर साइनोसोइडल है तो या तो वो कॉस फंक्शन को फॉलो कर रहा होगा या फिर साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा होगा। तो साइनोसोइडल का मतलब क्या है, आइदर इट विल फॉलो कोसाइन कर्व और साइन कर्व, कॉस कॉस को कोसाइन बोलते हैं, या तो वो साइन कर्व फॉलो करेगा नहीं तो कोसाइन कर्व फॉलो करेगा, ऐसे ही किसी वेव को हम साइनोसोइडल वेव बोलते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ साइनोसोइडल। इसलिए मैंने कहा था कि एक साइनोसोइडल वेव ऐसा होता है। देन व्हाट इट, लॉजिक क्लियर हो गया, चलो आगे लिखते हैं, आगे लिखिए दीज रेस। अच्छा ये बना लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये जरूर अपनी कॉपी में बनाइएगा, क्योंकि आज बता रहा हूं आज के बाद फिर कभी नहीं बताऊंगा, ये ऐसा एक चीज है जो आपको दो साल याद रखना है, तो इसको मैं अब ये मत सोचिएगा कि आज बता दिया फिर एक बार और कभी साइनोसोइडल वर्ड आएगा तो फिर इतनी ही डिटेल में बताएगा, फिर उस दिन क्या बोलेगा, उस दिन बोलेगा कि आप जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये सिखाया था कि साइनोसोइडल वेव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज बता दिया, आज के बाद हमेशा यही बोलूंगा कि ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो जब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा यही डायग्राम आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से उसको डिपिक्ट किया है, ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में बना लें। साइन वेव इसी प्रकार का होता है और कॉस वेव इसी प्रकार का होता है, इसके साथ साथ आपको एक टेबल भी मिल गया, साइन की किस एंगल पर क्या वैल्यू होती है और कॉस की किस एंगल पर क्या वैल्यू होती है, ये भी आपको पता चल गया, इसको जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में बनाएं, लेकिन कम से कम हम लोग सारी प्रॉपर्टीज तो बाहर का ज्यादा हो गया, लेकिन वो प्रॉपर्टीज एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते। अगले लिखें, दीज रेस कॉजेस आयनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास। अच्छा एक वर्ड के बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा है, वहां पे पेनिट्रेशन पावर लिखा हुआ है, पेनिट्रेशन पावर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में पेनिट्रेट कर सकता है, इस यही रीजन है कि जो आपका मसल्स है वो उसको पेनिट्रेट करके क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, उसको क्रॉस कर जाना, पेनिट्रेशन वही है, मैं अगर कोई स्पंज वाले बोर्ड के ऊपर मारूं तो मेरा हाथ उसको पेनिट्रेट करेगा, उसको डिफॉर्म करके अंदर चला जाएगा, दैट इज पेनिट्रेशन, और आप पार भी जा सकते हैं, बहुत तेज मारिएगा तो वो स्पंज टूट जाएगा और उसके पार भी जा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन, वो पेनिट्रेशन पावर इसमें बहुत स्ट्रांग होता है, और यही प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमने उससे एक्सरे करना स्टार्ट किया। डन, लिखिए These rays causes ionization of gas through which they pass. The ionization of gas through which they pass. वो जिस भी गैस से पास करेगा वो उसको क्या कर देगा? Ionize कर देगा. And what do you mean by ionization? Polar
उस गैस में पोलैरिटी डेवलप कर देगा, उसके नेगेटिव को अलग और उसके पॉजिटिव को अलग कर देगा, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। आयनाइजेशन मींस पॉजिटिव नेगेटिव का अलग होना तो है ही, पर पॉजिटिव नेगेटिव अलग होने का मतलब होता है कि आपने उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग अलग कर दिया। तो खैर फिजिकली ये तो संभव नहीं है, लेकिन अगर वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए या इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया जाए तो आयनाइजेशन संभव होता है, खास करके एटम्स के केस में। नेक्स्ट, दीस इफेक्ट, दीस रेज इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ये रेज फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना व्हाट इज फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट जिसमें अभी तो हम लोग वो वाला प्लेट और नहीं देखते हैं, पर पुराने जमाने में जो कैमरा से हम लोग फोटो खींचा करते थे वो एक रील में होती थी, और वो याशिका का कैमरा या जो आपका कैनन का कैमरा, निकॉन का कैमरा, वो के पहले जो कैमरा आते थे वो रील में होता था, और रील के अंदर वो फोटोग्राफिक प्लेट होता था जिसमें आप इमेज को पकड़ते थे और फिर उसको वो नेगेटिव होता था, फिर उसका पॉजिटिव बनाते थे और फिर उसको कागज पर लेते थे। इट वाज अ ह्यूज लंबा प्रोसेस, आज की तरह नहीं कैसे फोटो खींचा और हो गया, उसमें परफेक्शन का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता था, क्योंकि एक टाइम पर आपने अगर गलत क्लिक किया तो आपका एक रील आगे बढ़ जाता, तो वो फोटो चाहे अच्छा आया हो या खराब आया हो वो रील गया, और एक रील में 36 फोटोग्राफी आप खींच सकते थे, नॉट मोर देन दैट। तो हाउ कॉम्प्लेक्स द प्रोसेस वॉज अर्लियर, खैर अभी तो इतना आसान हो गया, आप एक साथ 10-12 सेल्फी ले रहे हो, उसमें से जो बढ़िया उसको रखते हैं, बाकी को डिलीट मार दिया, तो नाउ थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी। नेक्स्ट लिखे, दे पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, दे पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन पावर के साथ साथ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, तो पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब मैंने बताया, वो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी शो करता है। एंड लास्ट, सिमिलर इफेक्ट वेयर ऑब्टेन्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी इस प्रकार के इफेक्ट देखने को मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में भी और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। वो तो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो उसमें भी उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में भी सिमिलर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे हमें समझ में आ गया। अगली क्लास में मैं आपको चार्ज टू मास रेशियो निकालना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी मदद से उसने चार्ज टू मास निकाला, और फिर उसी की मदद से हम लोग आगे चल के एक टर्म पता करेंगे, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए चार्ज टू मास रेशियो निकालना बहुत जरूरी है, और ये चार्ज टू मास रेशियो कैसे निकालते हैं हमें मुलिकन ने बताया, और मुलिकन का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। मुलिकन का पूरा नाम था R.A. मुलिकन, जो कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। तो कई बार ये भी सवाल आता है कि मुलिकन ने क्या किया, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुलिकन। मुलिकन का कंट्रीब्यूशन था उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकाला, और अगर मेरे को चार्ज टू मास रेशियो एक बार निकल जाएगा तो हो सकता है कि शायद मैं मास को कैलकुलेट कर पाऊं, ठीक है, और उसके बाद मुझे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता चला। अभी मुझे क्या पता है, मास सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नाम पता है और मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही थी, तो मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता था, दैट इज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के बराबर। तो आई नो दी चार्ज का वैल्यू, बट आई डोंट नो दी चार्जेस टू मास, और चार्जेस टू मास नहीं पता तो मास भी नहीं पता। इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे सब्जेक्ट को आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने।